इस बेल आइकन को इग्नोर मत कीजिए, इसे दबाएं और द सड़कनामा की सारी नोटिफिकेशन पाएं। जननायक चौधरी देवीलाल जी के सम्मान दिवस की मैं पूरे देश और प्रदेश के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि जननायक के नाम से ही सर्वविदित है कि ऐसे नेता जो आम जनता के हृदय में बसते हैं, किसान कमेरे वर्ग की आवाज़ को उन्होंने लोकसभा के अंदर पहुंचाने का काम किया और आज भी ये मान के चलो संविधान के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस प्रकार समाज के दबे कुचले वर्ग और समाज की जो महिलाओं को उन्होंने अधिकार देने का काम किया, आज उनकी भी अगर नीतियों को किसी ने आगे बढ़ाया तो वो भी ताऊ देवीलाल जी हैं। और उन्होंने इस प्रकार के कार्य किए जो व्यवहारिक कार्य थे, बुढ़ापा पेंशन जिस प्रकार उन्होंने बनाई, तो वो उनको बुज़ुर्गों को सम्मान देने के लिए इस प्रकार के कानून बनाए जिसको कोई भी सरकार बदल नहीं सकती, लेकिन उनसे आम जनता को बहुत फ़ायदा हुआ। आज भी अगर राजनीतिक हरियाणा प्रदेश की घूमती है तो ताऊ देवीलाल जी के नाम पे आज भी वो घूमते हैं, लोग उनसे जुड़े हुए हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो उनका नाम का इस्तेमाल करते हैं, पर आज जनता को ये देखने की ज़रूरत है कि सही मायने में उनकी नीतियों पे कौन चल रहा है, उसका साथ देना चाहिए ताकि आज जिस प्रकार हरियाणा के अंदर बहुत सी समस्याएं हैं, बेरोजगारी है, किसानों की दिक्कतें हैं, किसान जो है बहुत कमज़ोर हो गया है राजनीतिक रूप से, उसको फिर से एकजुट करने की ज़रूरत है। जो दलित है, गरीब है, बैकवर्ड समाज के लोग हैं, उनकी भी कहीं ना कहीं अनदेखी हो रही है। उनकी विचारधारा ऐसी थी जो समाज के हर एक वर्ग को उसका अधिकार दिलवाने का काम करते थे। मैं फिर से उनके सम्मान दिवस की प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। चौधरी देवलाल जी, जननायक चौधरी देवलाल जी के जन्मदिन पर प्रदेशवासियों को बधाई, शुभकामनाएं, और उनकी नीतियों पर चलने के लिए हमें गरीब किसान कमेरे वर्ग को साथ लेकर वो चले थे, इसलिए हमारा भी फर्ज बनता है अभी हम उनके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश जरूर करें।